जय भीम, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। यूपी में हर हाथ को काम का अधिकार मिलेगा। यूपी में अगले 5 सालों के अंदर 70 लाख रोजगार और 100 रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। यूपी की 90% नौकरियां सिर्फ यूपी वालों के लिए आरक्षित होंगी और यूपी में सरकार बनने के 90 दिनों के भीतर सभी खाली पोस्ट पर भर्तियां होंगी। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ? नहीं भाई नहीं, मैं ऐसे चुनावी वादे नहीं कर सकता। दरअसल मैंने आपको वो वादे याद दिलाए हैं जो 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किए थे। अब आप कहेंगे कि मैं इस वक्त ये सब क्यों याद दिला रहा हूँ। दरअसल हुआ यूं है कि 5 सालों में 70 लाख नौकरियां देने का वादा करने वाले बीजेपी यूपी की सत्ता में तो आ गई, लेकिन अब यूपी सरकार आपकी नौकरी के ही पीछे पड़ गई है। यूपी की योगी सरकार सरकारी नौकरियों को कॉन्ट्रैक्ट पर करने की तैयारी कर रही है। पहले आप खबर समझिए। सरकारी नौकरी मिलने के बाद आप तुरंत परमानेंट नहीं होंगे। पहले 5 सालों के लिए आपको संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। ग्रुप बी और ग्रुप सी कर्मचारियों पर यह नियम लागू हो सकता है। हर 6 महीने में आपकी परफॉर्मेंस को आंका जाएगा। इसके लिए बाकायदा आपको नंबर यानी स्कोर मिलेगा। साल में अगर यह स्कोर 60% से कम हुआ तो आपकी नौकरी चली जाएगी। इस परफॉर्मेंस स्कोर के आधार पर 5 सालों में आपकी छटनी हो सकती है। अगर आप छटनी से बच गए तो फिर आपको 5 साल बाद शायद पक्की नौकरी मिल जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है और हो सकता है जल्द ही इसका ऐलान भी हो जाए। लेकिन सरकार के इस प्रस्ताव से क्या नुकसान होगा? दरअसल इस संविदा नौकरी के दौरान आपसे काम तो पूरा कराया जाएगा, लेकिन आपको वेतन काफी कम मिलेगा। यानी किसी सरकारी दफ्तर में वही काम कोई परमानेंट कर रहा होगा तो उसे ज्यादा सैलरी मिलेगी और आपको शायद उसके आधे के बराबर। साथ ही आपको इस दौरान सरकारी नौकरी के साथ मिलने वाली सुविधाएं जैसे PF, इंश्योरेंस, TADA और किसी तरह के अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। आप 5 साल तक अगर मन मारकर ये नौकरी कर भी लेंगे तब भी आपके पक्के होने की कोई गारंटी नहीं। आपकी परफॉर्मेंस का हवाला देकर आपको कभी भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इस सिस्टम में दूसरी समस्या ये है कि 5 साल तक किसी तरह नौकरी करने के बाद आपके ऊपर के अधिकारी तय करेंगे कि आपको 5 साल के बाद नौकरी पर रखना है कि नहीं। आपका परफॉर्मेंस स्कोर वही तय करेंगे। इससे सरकारी तंत्र के अंदर एक नए तरह की जागीरदारी प्रथा का जन्म होगा, जिनके हाथ में कई युवाओं की नौकरी होगी। यानी आपको हमेशा अपने बॉस को खुश रखना होगा। अब खुश चाहे काम करके कीजिए या खुशामद करके, वो बॉस के रवैये पर निर्भर करेगा। ऐसे में अगर अपने विभाग के उच्च अधिकारियों के घर का सिलेंडर भरवाना पड़े, सब्जी लानी पड़े, बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़े या उनके रिश्तेदारों को स्टेशन पर रिसीव करना पड़े, नौकरी बचाने के लिए शायद आपको ये सब भी करना पड़ सकता है। हम सब जानते हैं कि इस समय देश में बेरोजगारी का कितना बुरा हाल है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी के दिनों में है। GDP करीब 24% माइनस में चली गई है। ऐसे में अपनी नौकरी बचाने के लिए युवाओं को ना जाने क्या क्या करना पड़ेगा। संविदा सिस्टम की तीसरी बड़ी समस्या ये है कि आपको 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी तब मिलेगी जब आप बाकायदा परीक्षा और इंटरव्यू पास कर पाएंगे। मान लीजिए आपने 30 साल की उम्र में कोई परीक्षा पास की, इंटरव्यू पास किया और नौकरी हासिल कर ली और किसी तरह 4 साल तक अपनी नौकरी को बचाए रखा, लेकिन 5वें साल यानी जब आप 35 साल के हो जाएंगे तब आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? कई दूसरी नौकरियों के लिए आपकी उम्र अयोग्य हो चुकी होगी। इस सिस्टम की चौथी समस्या ये है कि इससे भ्रष्टाचार काफी बढ़ सकता है। ठेके की नौकरी दिलाने के लिए आपसे रिश्वत मांगी जा सकती है और हो सकता है कि अधिकारी अपने चहेते लोगों में नौकरियों की बंदरबांट करें। पांचवी समस्या ये है कि कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी असल में शोषण का एक नया रूप है। कई राज्यों की सरकारें पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट पर हायरिंग कर रही हैं। लोग 15-20 साल तक बहुत ही कम वेतन में काम करते हैं, उनकी सैलरी ना के बराबर बढ़ती है। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आप उनसे पूछिए उनका क्या हाल है। बिना किसी सुविधा के उनसे बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाया जाता है। सरकारों का काम लोगों को सम्मानजनक जिंदगी जीने लायक बनाना होता है, उनका शोषण करना नहीं।
छठी समस्या ये है कि संविदा की नौकरी से जातिवाद भी बढ़ेगा। क्योंकि किसी को पक्का करने का हक सीनियर अफसर्स के पास होगा तो वह इस प्रक्रिया में एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के साथ भेदभाव कर सकते हैं। हो सकता है कि वो जानबूझकर वंचित तबके के उम्मीदवारों को नालायक साबित कर दें और उनकी नौकरी खा जाएं। जिस तरह से भारतीय समाज में जाति हर स्तर पर आपको प्रभावित करती है, उसी तरह सरकारी नौकरी के संविदा सिस्टम में भी जातिवाद से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सातवीं दिक्कत ये है कि संविदा सिस्टम से आरक्षण पर भी बुरा असर होगा। हालांकि अभी तक यूपी सरकार ने आधिकारिक तौर पर संविदा नीति जारी नहीं की है, लेकिन जहां ऐसी नियुक्तियां हो चुकी हैं, वहां दलितों, आदिवासी और पिछड़ों के लिए संवैधानिक आरक्षण का कोई पालन नहीं किया जा रहा। इसलिए ये संविदा सिस्टम वंचितों के लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। पूरी सात दिक्कतें गिनाने के बाद जनता की भारी डिमांड पर एक सुझाव भी दे देता हूँ। क्या पता योगी जी या फिर मोदी जी इस पर अमल कर लें। मोदी जी, आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है, क्यों ना आप इस सत्र में बिल ले आएं जिससे चुनी हुई सरकारों को भी परफॉर्मेंस के हिसाब से स्कोर दिया जा सके और 60% से कम नंबर पाने वाले विधायकों और सांसदों को संविदा कर्मचारियों की तरह हटाया जा सके। मोदी जी, वैसे भी आप नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन जैसे कठिन फैसलों के लिए जाने जाते हैं। मैं तो कहता हूं जनता को राइट टू रिकॉल का हक भी दिला दीजिए, आप अमर हो जाएंगे। खैर, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। आप हमें Twitter और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी अकाउंट डिटेल में हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। मैं हूँ सुमित चौहान और कैमरे के पीछे है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। जय भीम, जय भारत। साथियों, अंबेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ Paytm पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। Paytm, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।